नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से निर्दलियों के साथ मिलकर यहां पर सरकार चलाना चाहती है, क्योंकि अपनी शर्तों के हिसाब से सरकार चलाना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। गठबंधन से ज्यादा निर्दलियों पर अब नजर रखी गई है, सहयोगियों पर कम से कम निर्भर रहना चाहती है। कांग्रेस, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी पर कम से कम निर्भर रहा जाए, उसको लेकर पूरी तरह से स्ट्रैटेजी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से यहां पर शुरू कर दी गई है बनाना। लेकिन इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने साथ निर्दलीय विधायकों को अब शामिल कर रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच में 22 का यहां फैसला भी होगा और पहली कैबिनेट बैठक में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल हो इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि पहली कैबिनेट में प्रस्ताव को पारित करना नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का ये काम रहेगा। कि लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठता है कि किस तरह से इस पूरे रेजोल्यूशन को पास वो करेगी, और प्रस्ताव अगर रखा जाता है तो यहां पर सहमति किस तरह से रहेगी, क्योंकि स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी मौजूद है। तो पक्ष और विपक्ष के बीच में 22 का यह फैसला हो सकता है। बताते चले कि सत्ताधारी पाले में 56 विधायक होंगे, जबकि विपक्ष में 34 विधायक होंगे, और 56 विधायकों वाले सत्ता पक्ष में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे ज्यादा 42 विधायक रहेंगे। उसके साथ ही कांग्रेस के 6 हैं, सीपीएम का 1 है, आम आदमी पार्टी का भी 1, और निर्दलीय विधायक यहां पर 6 बताए जा रहे हैं। तो वहीं विपक्ष में 34 विधायक हैं, जिसमें 29 भाजपा के हैं, 3 पीडीपी और यहां पीसी का 1 है, और एआईपी से भी 1 विधायक है। लेकिन फिलहाल अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि पहली बैठक में जब कैबिनेट की बैठक होती है तो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव जो है वो पारित हो सकता है। और इसके साथ साथ देखिए, जिस तरह से गठबंधन को लेकर अगर हम बात करें तो सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार में 2 मंत्रालय और 1 राज्य मंत्री का पद मांगा था, लेकिन अब इस पर किस तरह से सहमति बन पाएगी ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन फिलहाल अपनी शर्तों के हिसाब से सरकार चलाना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और गठबंधन से ज्यादा निर्दलियों पर फोकस किया गया है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं दिनेश मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुखविंदर सिंह है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, आपका भी स्वागत। और राजेंद्र गुप्ता जी हैं हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो दिनेश जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। अपनी शर्तों के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस अब सरकार चलाना चाहती है, लेकिन जहां पर अटकलें ये लगाई जा रही थी कि गठबंधन है तो गठबंधन के साथी को साथ लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस चलेगी, लेकिन फिलहाल अब पिक्चर धीरे धीरे क्लियर हो रही है, निर्दलियों पर ज्यादा फोकस है। आशा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं मेरी तरफ से गुड इवनिंग सबको। तो जैसे आपने कहा, ये प्रोसेस चुनाव शुरू होने के तुरंत बाद शुरू हो गया। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये है कि कांग्रेस सोती रही। कांग्रेस के अपने जो एक रेबल कैंडिडेट थे सतीश शर्मा, वो चुनाव जीते, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं साधा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मार ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनाव काउंटिंग खत्म होते ही जितने भी निर्दलीय जीते थे, स्पेशली जो जम्मू संभाग से जीते थे, जैसे इंद्रवाल से प्यारेलाल शर्मा जीते, बनी से डॉक्टर रमेश्वर जीते, और शंब से सतीश शर्मा जीते, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे पहले उनसे संपर्क कर लिया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तीर से 2 निशाने कर रही है। सबसे पहली बात यह है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू से जीते हुए जो 3 जो हिंदू एमएलए हैं, अगर इनको अपने साथ जोड़ लेती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मैसेज देगी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक एलिगेशन लग रहा है कि मैंडेट जो है डिवाइसिव मैंडेट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उस को नैरेटिव को काउंटर करेगी, ताकि इन लोगों को अपने साथ मिलाएगी। बनी का एमएलए अगर उनके साथ आता है तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट उनके साथ है, अगर इंद्रवाल का एमएलए उनके साथ आता है तो जो अस्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट है वो उनके साथ है, अगर छांब का एमएलए उनके साथ आता है इट मीन्स कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट उनके साथ है। तो ये एक दूसरा जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव है वो भी कटेगा, क्योंकि ये तीनों हिंदू एमएलए हैं। और दूसरी बात यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इन एमएलए की सपोर्ट, अब सपोर्ट इनको मिल गई है, इनकी सपोर्ट मिलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ये एक नंबर पूरा हो जाएगा, क्योंकि 42 ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, 4 एमएलए, 3 ये हो गए, एक सुरनकोट वाले अकरम चौधरी अकरम हो गए, और थन्ना मंडी के मुजफ्फर खान हो गए, वो हो गए, तो 47 का जो है नंबर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास खुद अपने आप हो गया। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ तो अपने साथ मतलब अपने लेवल पे अपनी मेजोरिटी अचीव करना चाहती है,
तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं मानेगी, क्योंकि अगर ये सारे नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे हो गए, अब कांग्रेस एक तरह से इस अलायंस में नॉन एंटिटी है, तो नॉन एंटिटी अपनी टर्म्स और कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकती कोलिशन के ऊपर। ठीक है सुखविंदर जी, जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि नॉन एंटिटी अपनी पोजीशन को यहाँ पर बात रखने के लिए सामने नहीं रख सकती है, क्योंकि कांग्रेस उस पूरी सिचुएशन में दिख नहीं रही है जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया है। लेकिन फिलहाल आपकी तरफ से तो कांग्रेस को बार बार कहा जा रहा था कि साथ में लेकर चलेंगे, साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन कांग्रेस तो देरी पर देरी करती रही। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। देखिए, इन्होंने दो तीन बातें कही कि मैं इनको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जैसे हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो सुरनकोट से थे, वो बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे। जब हमारी इस पे फ्रेंडली सीट का हुआ बंटवारा, तो उन्होंने आजाद होके लड़ा और फिर वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो ये आप जिसको आजाद बोल रहे हैं, बेसिकली ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही निकले हुए लोग हैं और वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। तो जितनी जिसकी भागीदारी है, जितनी सीटें वो लेकर आया था, आपको भी ये पता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जितनी भी रहेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रहेगी, और जो जो उसके साथ जितने लोग आएंगे, जैसे इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आएंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आ रहे हैं, और जितनी कांग्रेस को जितनी उनकी रहेगी उसमें नो डाउट आपको बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि हमारे जो जम्मू रीजन के लोग हैं उनके लिए भी हमने रखा हुआ है। जैसे सुरेंद्र चौधरी जी नौशहरा से जीत कर आए हैं, तो ये एक नैरेटिव पैदा किया जा रहा है जो तकरीबन इस वक्त जम्मू कश्मीर में लोगों को, जम्मू रीजन को लोगों को एक भ्रमित करने का तरीका किया है। मुझे समझता हूँ कि बीजेपी की ओर से ऐसा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भी देखिए आप जम्मू के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं ये इस पे जरूर क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई बात नहीं है, नेशनल कांग्रेस सबको साथ लेके चलेगी, जहां तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और जो कांग्रेस है सभी। तो फिर सुखविंदर जी, जो जो सोर्सेज के हवाले से खबर है कि गठबंधन की सरकार में दो यहाँ पर मंत्रालय और एक राज्य मंत्री का पद मांगा गया है, क्या वो देने के लिए तैयार हैं फिर आप लोग? मतलब कुछ भी गलत नहीं चल रहा है, सब सही चल रहा है? ये देखिए मैडम, ये रिसोर्सेज हमें भी नहीं पता चला ये कहाँ से निकल के आती है ऐसे फेक न्यूज़। आपको मैं ये एक दिन पहले भी मैंने कहा था कि जितनी कांग्रेस की भागीदारी है और कांग्रेस को हुई जो उनके जो जीते हुए हैं उनको जरूर मिलेगा, उनका जो हक है उनको जरूर मिलेगा। नेशनल कांग्रेस सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, इसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट जी को पूरा सुना, ध्यान से आपने दिनेश जी की बात को सुना? जी, मैंने बिल्कुल दिनेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने अपना तजुर्बा भी साझा किया, एक एक बात को खोलकर आपके सामने रख दिया कि अब तो कांग्रेस उस सिचुएशन में ही नहीं रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तो पूरे नंबर्स आ गए हैं और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती नहीं है कि इस तरह का कोई बंटवारा हो जाए मंत्रालयों को लेकर, एंटिटी को लेकर उन्होंने बात कर दी। देखिए मैडम, जैसे मैंने आपको कहा कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़े हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से होके लड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो अदर पार्टीज के हैं। वो इंडिपेंडेंट पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे जब सीट हमारा बंटवारा हुआ, बात ठीक है, लेकिन फ्रेंडली कंटेस्ट जब आप लोगों ने किया है तो इंडिपेंडेंट ही जीत कर आए हैं, किसी पार्टी का लेकर तो नहीं आए हैं चयन अपने साथ में, इंडिपेंडेंट पर ही लड़े मैडम। देखिए मैडम, मैंने आपको जरूर, मैं आपकी बात समझता हूँ, कोई इंडिपेंडेंट लड़े हैं मगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, उनका वोटर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखकर उनको वोट किया गया है, ना उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जरा समझाइए राजेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा दिनेश जी, जरा समझाइए प्लीज। आर्गुमेंट दे रहे हैं, बात यह है सुखविंदर जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 ही जीते हैं, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 जीते, बाकी इंडिपेंडेंट जीते, ठीक है, जैसे मुजफ्फर खान जो थन्ना मंडी से जीते, वो भी आपके ही पर इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट किया, उसके बाद इंडिपेंडेंट जीते, वैसे ही चौधरी अकरम जी सुरनकोट से जीते हैं, वो भी आपके ही हैं, ठीक है, रेबल कैंडिडेट हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर तो 42 ही है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन चार को मिला के 46 हो गए, तो कश्मीर से भी आपके एक जीते हैं सोपुर से, वो 47 हो गए, तो एक और आपके जीते हैं, 48 आपके अपने हो गए, तो आपने तो नंबर अचीव कर लिया, आप एक तरह से आप बड़े स्मार्टली प्ले कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में भी जब सीट शेयरिंग की टास्क हुई उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया, अब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा स्मार्टली प्ले कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को इतना ह्यूमिलेट करेगी कि कांग्रेस मजबूर हो जाएगी कि वो बाहर से समर्थन करे, मुझे ये लगता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप बड़े बड़े तरीके से चल रही है, बड़े स्मार्टली मूव कर रही है, स्ट्रैटेजी के तौर पर चल रही है दिनेश जी, स्ट्रैटेजी के तौर पर एलजी से मिलने की बात हो रही है कि इमीडिएट इफेक्ट उस पर किया गया,
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कल बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला ने कहा नहीं आज ही बात होगी, और उसी वक्त वो पहुंचे राजभवन, स्ट्रैटेजी के तौर पर काम नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस एक एक जो अपना स्टेप है बड़ा स्मार्टली मूव कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में अगर उन्हें शासन करना है तो वो केंद्र के साथ कोई कंफ्लिक्ट ले, केंद्र के साथ टकराव ले। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को दूर रखती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है इस सरकार में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नेचुरली केंद्र के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, और जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में अगर मतलब आकर बात तो वही आ गई ना कि सेंटर के साथ मिलकर आपको काम करना है तो कांग्रेस को थोड़ा सा किनारा करवाना पड़ेगा। राजेंद्र जी जवाब दीजिएगा इस पर। सब जो व्यूज सबको मेरा नमस्कार। मेरा मानना है कि उमर अब्दुल्ला जी ने इलेक्शन के बीच भी एक बात अनाउंस करी थी कि राहुल गांधी जी को जो मेहनत कश्मीर में करनी है वो जम्मू में जाके करें, क्योंकि वो मान चुके थे कि कांग्रेस को उन्होंने इसलिए अलाइंस बनाया था कि जम्मू से कुछ हमें सीटें जितवाने में मदद करेगी या कांग्रेस खुद जीतेगी जिससे अलाइंस चलेगा। कांग्रेस फेल हुई, एक सीट कांग्रेस जम्मू रीजन में जीत पाई है 43 में से सिर्फ एक सीट। तो वो चाहो वो पांच सीटें कश्मीर से जीती है, एनसी कहीं ना कहीं मानती है कि ये पांच सीटें भी हमारी वजह से जीती है। एनसी को ये लग रहा है कि इनकी वजह से हम कुछ नहीं जीते, क्योंकि ये कुछ खुद नहीं जीत पाए तो इसलिए हमारे जिताने का कोई मतलब नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ इनका आपसी द्वंद्व है अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, क्योंकि अलायंस चलाना कोई इतना आसान काम नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 24 पार्टियों की सरकार को 5 साल चला के बताया, हमारे मोदी जी ने 2019 में 303 सीटें जीत के भी उनका हिस्सा दिया, साथ रखा। राजेंद्र जी, दिनेश जी कह रहे हैं कि केंद्र के साथ मिलकर काम करना है, इसलिए स्ट्रैटेजी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है। वो सीधा सीधा आपके बीजेपी पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं। 29 तो आपके भी जीत कर आए हैं कि जो अलायंस का धर्म है वो निभाना बड़ा मुश्किल है। बाकी जहां तक रही बात के सेंटर में गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, वो स्टेटों को तय करना है कि उनको सेंटर के साथ अपने रिश्ते कैसे रखने हैं। सेंटर जो है वो सारी स्टेटों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सेंटर में, बाकी अपोजिशन की बड़ी सरकारें हैं स्टेटों में, अच्छे से चल रही है। जम्मू कश्मीर में तो आप इस वक्त स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में है ना राजेंद्र जी, तो जिस तरह से अटकलें लग रही है कि पहली कैबिनेट बैठक के अंदर यहाँ राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित हो, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है। ऑपोजिशन में तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आपने कहा कि दर्जा तो हम ही दे सकते हैं, 370 वापस लाने का वादा किया है, तो मैं कहूंगा उन वादों को हम सेकेंडरी रखेंगे। अगर वो स्टेट का कहीं कुछ ऐसा पास करते हैं, मैं कह रहा हूँ वो करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री सरकार के, उन दोनों ने जो पार्लियामेंट का हाउस है वहां पे कमिटमेंट की है कि जब इस राज्य के स्टेट पर आप लोगों की तरफ से तो कहा गया है कि जब सही समय आएगा तो इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तो चाहती है कि पहली कैबिनेट बैठक में ही इस पर फैसला हो जाए, इसका प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाए। इस पर मैं जवाब लूंगी डॉक्टर सुखविंदर जी से भी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही आप ही के पास आऊंगी सीधा। वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इस पर काम होगा, सोच विचार किया जाएगा, लेकिन अब स्ट्रैटेजी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहती है कि पहली कैबिनेट बैठक के अंदर ही इसका प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाए। मैडम, जो बीजेपी की नीति रही है खासतौर पे जम्मू कश्मीर को लेकर, तो वो मैं समझता हूँ कि एक सौतेली माँ वाला जो वो व्यवहार होता है वो करने की कोशिश की है। बहुत सारे इनके स्टेज पे, बहुत सारी इनकी जो इन दिनों में जब इनके गृह मंत्री जी आए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए, राजनाथ जी आए, उन्होंने कहा कि हमने भाई जो स्टेटहुड है वो देना है, मगर इनकी सोच थी कि हमने सरकार बना लेनी है इसलिए हमने स्टेटहुड देना। अब जब स्टेटहुड की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं ये देखिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सामने लेके आ रहे हैं, ऐसी फेक्स में समझता हूँ कि लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर में। मगर हमारा जो सबसे पहला जो मैनिफेस्टो यही था कि हमारा जो एक 370 में हमारी बहुत बड़ी जंग है, और हमारा दूसरा था कि हमने जो जम्मू कश्मीर को इसकी पहचान देनी है। क्या लेकर आ रहे हैं सुखविंदर जी, क्लियर करना चाहेंगे? देखिए मैडम, आप मैं आपको बता दूं कि आज आप व्हाट्सएप ग्रुप खोलेंगे तो
बहुत सारे ऐसे आईटी सेल से मैसेज आ रहे हैं कि देखिए जम्मू को एक देखिए इस तरीके से जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है, हमारे जम्मू के लोगों को ये राजनीति कश्मीर से शुरू हो रही है और कश्मीर तक ही खत्म हो जाएगी, ऐसे बहुत सारी न्यूज हमारे पास भी पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक जम्मू के खासतर जो लोग हैं उनको ये बताया जा रहा है कि अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर में ये सरकार बन रही है तो इनका सबसे पहला यही होगा कि कश्मीर के लोगों को आगे किया जाए। तो जैसे उमर अब्दुल्ला जी ने ये कहा था कि हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक है, इसमें कश्मीर अलग और जम्मू अलग नहीं है। तो ये चीजें इस वक्त मैं समझता हूँ कि लोगों को ऐसा मैसेज ऐसे भ्रमित करने की वो कह रहे हैं कि फेक खबरें नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर मीडिया ग्रुप्स के अंदर तो नहीं बात कर रहे हैं वो, लेकिन कुछ ग्रुप्स के नाम जरूर ले रहे हैं। लेकिन उस बीच में नरेटिव जिस तरह से चलाने की कोशिश हो रही है, उमर अब्दुल्ला स्टेटमेंट देते हैं कि मैं जम्मू और कश्मीर का मुख्यमंत्री बनूंगा, सबके साथ अच्छे से यहाँ पर चल के काम होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से सुखविंदर जी कह रहे हैं, क्या वाकई में ग्राउंड पर ऐसा कुछ है? देखिए आशा जी, जो मैंडेट आया है ऐसा मैंडेट 1983 में आया था, जब केंद्र में मिसेज इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब ऐसा मैंडेट आया था, पूरा डिवाइसिव मैंडेट। उस समय जम्मू वर्सेस कश्मीर हो गया था। हाँ, उस समय कांग्रेस ने शायद कश्मीर घाटी से मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी शायद जीते थे, सिर्फ एक सीट कश्मीर घाटी से जीती थी, बाकी सारी की सारी सीटें जम्मू ईस्ट जिसको बीजेपी या जनसंघ का गढ़ कहा जाता था वहां से भी कांग्रेस जीत गई थी। सारी सीटें जम्मू की कांग्रेस ने जीती थी और सारी सीटें कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी। 83 के बाद इतना डिवाइसिव मैंडेट अब आया। इससे पहले जितने भी मैंडेट आते रहे, आपने 96 में आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेजॉरिटी ली थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के हिंदू बेल्ट से भी काफी सीटें जीती थी, अजय सड़ोत्रा जीते थे, सुरजीत सिंह सलाथिया जीते थे। फिर उसके बाद 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की जो सरकार बनी उसमें जम्मू और कश्मीर का बराबर का हिस्सा था क्योंकि कांग्रेस जम्मू से जीती थी। 2008 में भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी उसमें भी जम्मू का हिस्सा था। इस बार नैरेटिव जो मैंडेट आया है बड़ा डिवाइसिव मैंडेट आया है, तो लोगों को ये लग रहा है कि शायद जम्मू इग्नोर होगा क्योंकि पूरा जम्मू ऑलमोस्ट पूरे जम्मू ने बीजेपी को बोल दिया। एक सवाल रहेगा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ, घोषणा हुई, उस वक्त ये कहा गया कि 370 बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन जम्मू के लोगों की आवाज बनेगी जब सीटें आएंगी, कश्मीर के लोगों की आवाज बनेगी जब सीटें आएंगी, तो जम्मू के अंदर 29 सीटें बीजेपी के पास चली गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी पार्टी बन गई कश्मीर के अंदर। अब आप इस सवाल को किस तरह से देखते हैं, डिवाइसिव जिस तरह से मैंडेट आया है इसे क्या 370 के साथ जोड़कर देखते हैं या फिर किस तरह से देखते हैं, जरा समझाइए प्लीज। नहीं, अगर मुझे, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एज ए जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कि ये 370 इस चुनाव में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। एक स्टेबल सरकार का बहुत बड़ा मुद्दा था। कश्मीर घाटी में लोगों को लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है, तो कश्मीर घाटी ने जो इंडिपेंडेंट भी खड़े थे, जहाँ कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टी थी जैसे अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जब इवन पीडीपी जो एक मजबूत है साउथ कश्मीर में, लोगों ने उसको भी इग्नोर करके लोगों ने एक मतलब पूरा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें स्टेबल गवर्नमेंट देगी। अब लोग जम्मू जम्मू प्रोविंस में भी कांग्रेस की मतलब कांग्रेस की एक वेव थी इलेक्शन चुनाव शुरू होने के बाद पहले, लेकिन कांग्रेस ने सेल्फ गोल इतने कर दिए कि लोगों को लगा कि शायद कांग्रेस जो है सीरियसली चुनाव नहीं लड़ रही। तो जम्मू के संभाग के लोगों ने पूरा बीजेपी को पूरा मैंडेट दे दिया क्योंकि बीजेपी ने जो लास्ट फेज में जो एक गेम चलाई थी, एक नैरेटिव चलाया था कि हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे, हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, तो लोगों ने इस कारण जम्मू को अगर हम ये कहें कि 370 एक मुद्दा था तो बीजेपी के सबसे ज्यादा वोट आए जम्मू कश्मीर में, अगर वोट का वोट परसेंटेज देखा जाए तो इट मींस के जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा लोग 370 को चाहते हैं। 370 इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं था, इलेक्शन में एक डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना सबसे बड़ा मुद्दा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लोगों ने विश्वास इसलिए किया, लोगों को लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेबल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, 370 मुद्दा ही नहीं था। अब दीजिए जवाब सुखविंदर जी, आप तो 370 को लेकर ही चल रहे हैं। जहां तक 370 की बात है तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये हमें भी क्लियर है कि ये जल्दी जल्दी जम्मू कश्मीर को मिलने वाला नहीं है। जब तक केंद्र में बीजेपी सरकार है जिसने ये तोड़ा हुआ तो कभी वापस इसको देगी नहीं। हम भी ये इस चीज का आपको ये जरूर क्लियर कर दें। तो फिर आप बार बार आलाप रहे हैं इस तरह। देखिए
देखिए हमारा वो आपको मैनिफेस्टो था, अगला वो काम हमारे करना वो चाहिए, डिग्निटी हमारी। नौकरी कैसे देनी है, बिजली कैसे देनी है, पानी कैसे देना है, इस पर फोकस करना चाहिए। फिर देखिए पहली स्टेटमेंट देखिए 370 मैम, को वो लेकर हम क्यों आती आपको, है? मैं देखिए मैडम, मैं आपको पे जरूर क्लियर करूंगा, फिर डिबेट में बैठेंगे जब हमारी सरकार बनने दीजिए। हमारी सरकार बनने के बाद हम आपको जम्मू कश्मीर को फिर उसी तरीके से जैसे 17 सालों से हम चला रहे थे, जम्मू कश्मीर को अच्छी स्कीम्स, अच्छे लोगों को रोजगार, खाने पीने की चीजें मुहैया कराए, ऐसे करवाएंगे। इसमें हमने बीजेपी की तरह राजेंद्र झूठे जी, वादे, हमने राजेंद्र जी वो कह रहे हैं कि पहले बहुत तो अच्छी मैं सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को देगी। आवाज नहीं आ रही है राजेंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। हाँ, उसमें हमने 30 साल की मिलिटेंसी देखी, हमने बड़े दुख देखे, बड़ी लाशें गई। कृपा करके मेरा मानना है कि उस तरह की सरकार ना चलाए। दूसरी बात मेरी यह है राजेंद्र जी, दस कि साल में आपने उन जो दिया भुला साहब ने वो भी आपको आके याद ही रहना चाहिए। यू टर्न लिया के जो 370 था वो एक शगुफा था, लोगों को बेवकूफ बनाना था। जैसे हम प्री 53 पे बनाते रहे, जैसे मर्दमशुमारी पे बनाते रहे, रायशुमारी पे बनाते रहे, उस तरह 370 का भी हमने शगुफा छोड़ा था और वोट ले लिया। अब जब हमारी कहीं मर्जी की सरकार सेंटर में आएगी, मैं कहूंगा देर आए दुरुस्त आए, बड़ी अच्छी बात है। तीसरी चलिए बात मेरी ये मानने को है कि ये आपस में गुथम गुथा करते रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, हमें कोई एतराज नहीं है। हमें सिर्फ इतना मानना है कि जो लोगों से इन्होंने वादे किए हैं, 1 लाख नौकरी के, 12 सिलेंडर फ्री देने के, 200 यूनिट बिजली फ्री देने के, उन वादों की तरफ लेकिन अपना राजेंद्र ध्यान जी दे। आपने नंबर 2, दिनेश जी को स्टार्टिंग में नहीं सुना है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वो आप ही लोगों के लिए साइड कर रहे हैं कि सेंटर के साथ मिलकर काम करेंगे, दुविधा वहां पर जहां थी उसे खत्म करने की कोशिश हो रही है। मेरा मेरा मानना है कि जब ये सरकार बनेगी ना मैडम, तब समझ आएगी कि जम्मू के साथ इन्होंने कितना इंसाफ किया और कश्मीर के साथ कितना किया। जब गवर्नमेंट में कितने जो मंत्री हैं वो जम्मू रीजन को मिलते हैं, कितने मंत्री कश्मीर रीजन को मिलते हैं, कौन से डिपार्टमेंट जम्मू रीजन को मिलते हैं, कौन से डिपार्टमेंट कश्मीर रीजन को मिलते हैं। कहने से तो 70 साल से एनसी यही कहती है कि हम बड़े सेकुलर लोग हैं, हमने कभी भेदभाव नहीं किया, मतलब जम्मू का बेड़ा गर्क जो है इन 70 सालों में किया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलजुल के। मैं कहूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के 29 MLA जीते हैं, जम्मू के साथ नाइंसाफी हम लोग चलिए बर्दाश्त नहीं सुखविंदर जी, करेंगे। हम जम्मू कश्मीर के साथ एक जैसा सुखविंदर सलूक जी चाहेंगे, वो कह चाहे रहे हैं वो कि हिंदू हो, मुस्लिम 70 सालों से तो हो, आपने सबके जो साथ काम किया बराबर कश्मीर का के सलूक जो अंदर, है होगा, शब्द का भी तो इस्तेमाल हम उन्होंने हम इस किया है। सरकार को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए देखिए मैडम, ये इनकी विफलता जो है वो बोल रही है। इन्होंने एक नैरेटिव चलाया जम्मू में कि भाई हमने यहाँ इस बार डोगरा आपको चीफ मिनिस्टर देना, तो इनको पता है कहीं ना कहीं ये फेल रहे हैं जम्मू को चलाने में। 10 साल इनके पास थे, यूटी भी इनकी थी, सेंटर भी इनका था, इनके इन्होंने ऐसी स्कीमें लानी थी, लोगों को नौकरी इन्होंने देनी थी। हमने जो वादे किए, मैं आपको क्लियर कर दूं, शायद इन भाई साहब को नहीं पता होगा, हमारी बहुत सारी स्कीम्स थी जो लोगों को एंगेज करती थी, रेबरे तालीम, रेबरे सेहत, रेबरे खेल, रेबरे जिरात, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स थी जिनमें आपके भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं, तो ये आपको जरूर देखना था। आपने लोगों को नौकरियां देनी थी, ना कि स्टेज के ऊपर वादे करने। आप मुझे ये बताएं, 2 करोड़ नौकरियां आपने देने का वादा किया था, 15-15 लाख आपने लोगों के अकाउंट में डालने का वादा किया था, तो आप उसके ऊपर माउंट क्यों हो जाते हैं जब वादा दिए तो? आपको चलिए भी राजेंद्र देखना जी पड़ेगा जवाब। आप ठीक मेरा है, मेरा मानना है सिंह साहब, 70,000 की आपने डेली वेजर की फौज इस जम्मू कश्मीर पे खड़ी कर दी, वो नौकरी नहीं थी, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी, किसी को 500 रुपए में, किसी को 1,000 रुपए में लगा के आपने 70,000 नौजवानों की जिंदगी जो है तबाह और बर्बाद कर दी। नंबर 1। नंबर 2, आपने आप 70 साल रहे ना, आपने 70 साल में ऐसा माहौल नहीं दिया, दिनेश जी कांग्रेस को साइडलाइन करने की कोशिश, निर्दलियों पर दांव खेलने की कोशिश। दूसरा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि गठबंधन बीजेपी के साथ तो कभी हो ही नहीं सकता, तालमेल किस तरह से स्थापित करेंगे? ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है हो गया। दिनेश जी देखिए, अगर हम एक बहुत पुरानी स्टेटमेंट देखें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, जब उमर अब्दुल्ला केंद्र में मंत्री बने थे, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार कहा था,
मैं उस समय असेंबली कवर कर रहा था, असेंबली के पटल पे कहा था उन्होंने असेंबली से बाहर रिपोर्टर से बात करते हुए कि जब रिपोर्टर ने पूछा कि उमर अब्दुल्ला केंद्र की सरकार में शामिल हो गए हैं भाजपा सरकार में, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने मेरे को ये मैसेज एक सीख दी थी कि केंद्र में जिसकी भी सरकार हो अगर जम्मू कश्मीर में सरकार चलानी है तो उसके साथ टकराव नहीं करना है। उस समय उन्होंने कहा वाजपेयी की अगर आरएसएस की भी सरकार हो तो हम उसके साथ भी टकराव नहीं करेंगे। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर फारूक अब्दुल्ला बड़े मेच्योर हैं, वो टकराव की राजनीति कभी नहीं चलाएंगे, क्योंकि केंद्र भी नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर में टकराव की राजनीति हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर बाकी स्टेट्स की तरह नहीं है। जम्मू कश्मीर वेस्ट बंगाल नहीं है जहाँ केंद्र सीधा टकराव ले रहा है वहां की सरकार के साथ। जम्मू कश्मीर हाईली सेंसिटिव स्टेट, बोलिए बोलिए खत्म कीजिए। फिर बॉर्डर स्टेट है, इसके पड़ोस में पाकिस्तान है, इसके पड़ोस में कोई दूसरी स्टेट नहीं है, पाकिस्तान है, चाइना है बॉर्डर के ऊपर। इसलिए जम्मू कश्मीर में सरकार भी चाहेगी, केंद्र भी चाहेगी, जम्मू कश्मीर की सरकार भी चाहेगी कि कोऑर्डिनेशन के साथ सरकार चले, ठीक है, बीजेपी नेशनल कांग्रेस का अलायंस ना हो। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुखविंदर जी आपका भी धन्यवाद, राजेंद्र जी आपका भी। तो फिलहाल आप देखिए 22 का फैसला किस तरह से होगा, ये बड़ा सवाल। पहली कैबिनेट के अंदर राज्य के दर्जे को बहाल करने का प्रस्ताव पारित हो, ये बड़ी बात कही गई है। दूसरा, यहां पर आपसी सहमति के साथ आगे की रणनीति तैयार कर कैसे काम हो